हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिडिटी या फिर गैस की प्रॉब्लम। गैस की समस्या बहुत सारे लोगों को है और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो हर चीज़ ट्राई कर चुके होते हैं लेकिन फिर भी उनका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और एसिडिटी और बढ़ती चली जाती है, जो कि और बड़ी बीमारियों का कारण हो सकती है। तो अगर आप आज ये वाला वीडियो देख लेते हैं तो आप आज जान पाएंगे कि बहुत से ऐसे घरेलू तरीके हैं, बहुत ही ईजी आयुर्वेदिक रेमिडीज़ हैं जिनको आप यूज़ करके और कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपनी एसिडिटी को ठीक कर पाएंगे। अगर आज आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको फिर कभी एसिडिटी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। अगर आपको भी एसिडिटी है और आप भी कोई होम रेमेडी जानते हो जिससे आप ठीक हुए हो तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एसिडिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, उसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि एसिडिटी क्या होती है, कैसे होती है। आप इतना जान लें कि अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर हमेशा रहने लग जाती है तो गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, हार्ट बर्न आपको फील होगा, एपच होगा यानी कि कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। और आप जानते हैं अगर इंडाइजेशन आपके शरीर में है यानी कि आपका खाना नहीं पचता है टाइम पर तो वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सबसे पहले आपका सिर दर्द होगा, सिर दर्द के साथ साथ आपका बदन दर्द होगा और उसी के साथ और बीमारियों के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो आपको ये ज़रूरी है कि आपका खाना पच जाना चाहिए, जो भी आप खाना खाते हैं हमेशा वो आपको पच जाना चाहिए। अगर नहीं पचता है तो आप उतनी ही मात्रा में खाना खाएं कि जितना वो पच जाए। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि एसिडिटी में आप कौन सा ट्रीटमेंट एज ए होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है। एसिडिटी हम में से हर किसी को कभी ना कभी होती है, लेकिन वो ठीक हो जाती है, या तो वो अपने आप ठीक हो जाती है या फिर हम कुछ इनो वगैरह ले लेते हैं या फिर कोई होम रेमेडी ट्राई कर लेते हैं जिसके कारण वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो ठीक ही नहीं होती है, वो हमेशा रहती है, वो बहुत सी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं लेकिन वो एसिडिटी उनके साथ बनी रहती है। अगर एसिडिटी बनी रहेगी तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम भी रह सकती है या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिटी के कारण आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, ना ही आपका खाना पचेगा ना ही आपके शरीर में कोई खाना लगेगा, या तो आप बहुत ज़्यादा मोटे होते चले जाएंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा पतले होते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको फील होगा सिर दर्द। सिर दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम दवाई लेकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो एसिडिटी का सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देता है कि आपके सर में दर्द होता है, फिर आपको धीरे धीरे बदन में दर्द होने लग जाता है, फिर आपकी उल्टियाँ वॉमिटिंग बढ़ जाती है। तो इस कदर ये आपको इतना परेशान कर देती है कि ये एक बड़ी बीमारी जैसी लगने लग जाती है। ट्रीटमेंट नंबर वन, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हर तरीके की होम रेमेडी ट्राई कर चुके हैं तो उस कंडीशन में आप आयुर्वेदिक एविपत्ती का चूर्ण का प्रयोग करके देखें। एविपत्ती का चूर्ण आपको बहुत जल्दी रिलीफ देता है। एविपत्ती का चूर्ण आपको खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और पेट में जो दर्द हो रहा है वो नाभि के ऊपर हो रहा है तो उस कंडीशन में आप थोड़ी सी लिक्विड डाइट लेंगे और उसके बाद आप एविपत्ती का चूर्ण लेंगे और हल्का खाना खाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिन अगर आप लेते हैं, जैसे कि 15 दिन अगर आप लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको आपकी एसिडिटी से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर टू, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है एसिडिटी या फिर कभी कभी रह रही है तो उस कंडीशन में आपको ठंडा दूध पीना चाहिए। ठंडे दूध में अगर आप मिश्री मिला लेते हैं तो वो बहुत जल्दी रिलीफ देता है और बहुत जल्दी आपको आराम पहुँचाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो केवल और केवल नीचे दिए गए थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप बहुत इजीली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर थ्री, जीरा और अजवाइन। जीरा और अजवाइन का जो मिक्सचर होता है वो आपको बहुत जल्दी रिलीफ पहुंचाएगा। जीरा और अजवाइन को भून करके पानी में उबाल करके अच्छे से उबालिएगा, उसको ठंडा करके उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर पीजिएगा, बहुत जल्दी आपको एसिडिटी में रिलीफ मिलेगा। एसिडिटी से बचने के लिए या फिर ठीक होने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। नंबर वन है, खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटें। अगर आप तुरंत खाना खाते ही सो जाते हैं या फिर लेटे रहते हैं तो उस कंडीशन में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने लग जाती है। ये आप खुद आजमा कर देख सकते हैं,
या फिर आप अगर ऐसा करते होंगे तो ये ज़रूर आपके साथ होता होगा। नंबर टू, अगर आपका वज़न धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में एसिडिटी रहने लग जाती है अपने आप, तो उस कंडीशन में आपको अपना वज़न कंट्रोल करना है या फिर धीरे धीरे कम करना है। नंबर थ्री, अगर आप बहुत ज़्यादा एंटासिड्स खाते हैं यानी कि आप गैस्ट्रिक दवाइयाँ खाते हैं एसिडिटी को ठीक करने के लिए, तो आप उसको तुरंत बंद कर दीजिए और जो भी होम रेमेडीज़ हैं, जो भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं उनका यूज़ करिए। ये था हमारा पूरा एसिडिटी के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है या फिर पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई ट्रीटमेंट या फिर होम रेमेडी जानते हैं जिससे आपको रिलीफ मिला है तो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।